गाइज, आज से 35 साल पूर्व जो रामायण बनी थी, उस रामायण को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है, उस रामायण में भगवान राम का किरदार जिन्होंने निभाया है, अरुण गोविल जी ने, उनको राम का किरदार निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? कैसे मिला था भगवान राम का किरदार निभाने को? सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। सर, सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? इसकी कास्टिंग के पीछे तो बहुत सारे किस्से हैं कपिल जी। सागर साहब के कैंप में मैंने विक्रम और बेताल किया था जी, प्रेम सागर जी ने बनाया था। फिर मैंने एक फिल्म की जो आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी, अच्छा जी, वो फिल्म की मैंने। तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने उनसे कहा जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। अच्छा। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले जरा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है, भाई अरुण वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी, वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम ने मिलना। अच्छा वाह। मैं कहा सर पता नहीं ये तो क्या हुआ जाने। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती। बिल्कुल। उसकी जब चलती है ना, बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती। क्या बात है।